हेलो, वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, चुनाव से पहले ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग यूपी डीएलएड के छात्र कर रहे थे और इसी क्रम में नई सरकार बनते ही होली के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती करने को लेकर पदों की संख्या पर अंतिम बड़ा फैसला मुख्यमंत्री योगी जी के माध्यम से कर दिया गया है। तो अगर आपको भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार उत्तर प्रदेश में था तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब जो छात्रों का इंतजार है, यूपी डीएलएड के छात्रों का इंतजार है, वो आखिर में समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। जी हां, 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती यहां पर की जाएगी। इस पर अंतिम फैसला लिया जा चुका है। चुनाव से पहले भी ये 17,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई थी लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन अब यहां पर बड़ा फैसला लिया जा चुका है। पहले ही कैबिनेट में इसको मंजूरी देते हुए नई प्राथमिक शिक्षकों के 17,000 पदों पर विज्ञापन को मार्च के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, ऐसी सूचना मिल रही है। तो आधिकारिक विज्ञापन की जानकारी के लिए, भर्ती की अन्य जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।